नमस्कार भैया बहनों, कक्षा अष्टमी विषय संस्कृत द्वितीय पाठ विलस्य वाणी न कदापि मैं सुनता। इस पाठ का हिंदी अनुवाद हमने किया था पिछली वीडियो में। अब प्रश्नोत्तर और प्रश्न निर्माण आदि कुछ प्रश्न जो है उनको हम सरल करेंगे, समझेंगे उनको। पहला जो प्रश्न है, पहले प्रश्न का उत्तर और एक पद में ही उत्तर देना है। पहला प्रश्न है, सिंहस्य नाम किम, शेर का नाम क्या है? खर नखर। प्रश्न नंबर दो, गुहा या स्वामी का आसित, गुफा का स्वामी कौन था? दधि पुच्छ, यानी जो श्रीगाल था ना, श्रीगाल का नाम क्या था? दधि पुच्छ। सिंह कस्मिन समय गुहा या समीपे आगत, शेर जो है वो किस समय गुफा के पास में आया? तो वो समय था भैया बहनों सूर्यास्त समय, सूर्यास्त के समय आया। हस्तपादादि का क्रिया के सामने प्रवर्तन से, ध्यान दीजिएगा प्रश्न नंबर चार पे, हस्तपादादि का क्रिया के सामने प्रवर्तन से, हाथ पैर उनकी जो क्रिया है वो कब कार्य नहीं करती है या किसकी कार्य नहीं करती है, कैसा मैंने किन लोगों के हाथ पर काम नहीं करते हैं? तो भय संतरस्त मनसाम, जो डरपोक और घबराए हुए जो लोग होते हैं ना, उनका फिर हाथ पर काम नहीं करते हैं जब विपत्ति आती है उस समय। गुहा केन प्रतिध्वना ध्वनिता, अर्थात जो गुफा है वो किस प्रकार की आवाज़ से और गुंजायमान हो गई थी? तो वो था उच्च गर्जनेन, ऊंची गर्जना के द्वारा बार बार उसमें से आवाज़ आ रही थी। अब जो प्रश्न है वो पूर्ण वाक्य में उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, कर नखर, खर नखर है कुत्र प्रतिवसति स्म, जो खर नखर जो था वह कहाँ और रहता था? तो खर नखर है कस्मिंश्चित वने प्रतिवसति स्म, एक जंगल में रहता था। अगला प्रश्न है, महतीम गुहाम दृष्टवा सिंह किम अचिंतित, बहुत बड़ी गुफा को देख करके शेर ने क्या विचार किया, क्या सोचा? महतीम गुहायाम दृष्टवा, बड़ी गुफा को देख करके सिंह अचिंतित, शेर ने विचार किया, नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रौ, निश्चित रूप से इस गुफा में रात्रि के समय कोपि, मैंने कोई जीव यानी प्राणी आगच्छति, मैंने आता है, अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति, इसलिए मैं यहीं पर छुप करके ठहरता हूँ। प्रश्न नंबर तीन, श्रीगाल किम अचिंत्यत, श्रीगाल ने क्या विचार किया, क्या सोचा? श्रीगाल अचिंत्यत, श्रीगाल ने सोचा, अहो विनष्टो अस्मि, अब तो मेरा विनाश होने वाला है, नूनम अस्मि, निश्चित रूप से इस बिल के अंदर शेर है, ऐसा विचार वो करता है, तत्किम करवाणी, अब मुझे क्या करना चाहिए। प्रश्न नंबर चार, श्रीगाल कुत्र पलायति, अब गीदड़ जो होता है, श्रीगाल जो होता है ना, वह कहाँ भाग जाता है? श्रीगाल दूरम पलायत, दूरम पलायत, अर्थात श्रीगाल जो है वो दूर भाग जाता है। गुहा स्वामी आगत्य श्रीगाल किम पश्यति, और गुफा का जो स्वामी है वह जब आता है तो क्या देखता है? गुहा स्वामी आगत्य श्रीगाल सिंह पद पद्धति पश्यति, शेर के पैरों के निशानों को देखता है। कह शोभते, क्या शोभायमान होता है भाई, शोभा किसकी होती है? यह अनागतम कुरुते सह शोभते, जो आने वाली विपत्ति का पहले से ही अनुमान लगा के रखता है, उसके बारे में योजना बना के रखता है, वह व्यक्ति शोभायमान होता है। तो भैया बहनों, ये जो हमारे थे इसके, अब इसके साथ इसी पाठ के कुछ और प्रश्न हैं उन पर हम ध्यान देंगे। जैसे एक प्रश्न नंबर चार है, रेखांकित आधारित प्रश्न निर्माण कुरुत, प्रश्न निर्माण करना है इन शब्दों के आधार पर, उत्तर दिए हुए हैं, इनके प्रश्न बनाने हैं। जैसे उत्तर क्या है, क्षुदार्थ सिंह कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान, भूखा शेर को कहीं पर भी कुछ प्राप्त नहीं हुआ, भोजन प्राप्त नहीं हुआ। तो प्रश्न बनेगा, कीदृशः, कीदृशः मैंने किस प्रकार के, क्षुदार्थ जो शब्द है ना, रेखांकित शब्द को हटाना है, उसकी जगह प्रश्नवाचक शब्द को लगाना है, तो कीदृशः, कीदृशः जो है इसमें आएगा। दधिपुच्छ उत्तर है, दधिपुच्छ नाम का श्रीगाल
गुफा का स्वामी था। तो इसमें जो प्रश्न बनेगा यानी कि कौन, या यूँ कह सकते हैं किस नाम का श्रृगाल, तो किम, किम मैंने क्या, क्या नाम का श्रृगाल जो का स्वामी था, तो यहाँ पे दधि पुच्छ की जगह आएगा किम। अगला है ऐसा गृह स्वामी ने, गुहा स्वामी ने सदा आह्वानम करोती, स्वामी ने मतलब स्वामी का हमेशा आह्वान करती है ये गुफा, तो स्वामी ने की जगह आएगा कस्य, कस्य का मतलब होता है किसका। डरपोक और घबराए हुए व्यक्ति के हाथ पैर काम नहीं करते। प्रश्न आएगा कि किस प्रकार की क्रिया और उसमें नहीं होती है, तो की दृश्यः, जैसे की दृश्य ऊपर लिखा था वैसे की दृश्यः आएगा, भी किस प्रकार की क्रिया उसमें नहीं होती। आह्वनेन श्रृगाल बिले प्रविश्य सिंहस्य भोजन भविष्यति, अर्थात बिले, बिले मतलब बिल में, तो प्रश्न बनेगा किस में यानी कस्मिन, इसका वर्ड जो शब्द बनेगा वो कस्मिन। तो भैया बहनों इस प्रकार से इसको करना, किस प्रकार से, पहले इन उत्तर को, पहले इस उत्तर को लिखेंगे इसके नीचे, फिर इसका प्रश्न लिखेंगे, फिर इस उत्तर को लिखेंगे इसके नीचे इसका प्रश्न लिखेंगे, फिर उत्तर फिर नीचे प्रश्न लिखना, इसको प्रश्न निर्माण कहते हैं। घटनाक्रम जो है इस पर ध्यान देंगे, कुल 7 वाक्य दिए हुए हैं, कुल कितने वाक्य दिए हुए हैं, 7 वाक्य, इन 7 वाक्यों को क्रम से लिखना है। अभी इनका क्रम बिगड़ा हुआ है इस समय, जैसे इसने तो इसके अंदर बिगड़ा हुआ क्रम में देखें तो इसने सबसे पहले लाइन दी है गुहा या यानी गुफा का जो स्वामी है दधिपुच्छ नाम का श्रृगाल आता है, लेकिन उससे भी पहले की जो पंक्ति है वो ये होती है कि परिभ्रमण सिंह क्षुधार्थ हो जाता है। इस प्रश्न को ध्यान से देखें, घटनाक्रम का अर्थ ये है कि पहले कौन सी घटना घटित हुई, पहले बात कौन सी आई इस पाठ में, तो घूमता हुआ जो शेर है वो घूमता घूमता भूखा हो गया, जाता मैंने हो गया, वह भूखा हो गया, ये पहली पंक्ति है। पंक्ति क्रमांक 2 पर ध्यान देंगे, शेर एक बड़ी गुफा को देखता है। तीसरी पंक्ति पर ध्यान देंगे, गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का श्रृगाल आता है। चौथी पंक्ति पर ध्यान देंगे, गुहायाम कोऽपि अस्ति इति श्रृगालस्य विचारः, गुफा का कोई, गुफा में कोई है ऐसा श्रृगाल विचार करता है। पांचवी पंक्ति, दूरस्थ श्रृगाल रवम कृतर अब्द, दूर खड़ा श्रृगाल जो है रवम मैंने आवाज़ करना शुरू करता है। फिर छठी पंक्ति है, सिंह श्रृगाल से आह्वान करोति, शेर श्रृगाल का आह्वान करता है। और अंतिम जो सातवीं लाइन है, दूर भाग करके श्रृगाल श्लोक को पढ़ता है, श्लोक आपको पता ही है वो क्या पढ़ता है ना, वो श्लोक यानी अंतिम पंक्ति पाठ की ये है। तो प्यारे भैया बहनों, मैंने इनके आगे सही क्रम भी और लगा रखे हैं ताकि आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आए और ठीक से तैयारी कर सको आप। तो इनको इस प्रकार से क्रम से लिखना है। कॉपी में इसको कैसे करेंगे, बिल्कुल सही क्रम से लिखेंगे उत्तर लगा करके। अगर आप चाहो तो इनको पहले बिगड़ा हुआ क्रम लिख सकते हैं, फिर नीचे और शुद्ध रूप भी अपने इसको लिख सकते हैं, या फिर इसका 5 नंबर लगा करके लगातार क्रम से भी इसको लिखा जा सकता है। फिर ये बिगड़ा हुआ क्रम लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधा, क्योंकि हमारे समझने की बात है ये। तो आगे एक प्रश्न दिया हुआ है, यथा, ध्यान दीजिएगा, यथा निर्देश उत्तर, जिस प्रकार के निर्देश मांगा गया है उसके हिसाब से उत्तर दीजिए। जैसे इसने कहा, ये जो पहला जो वाक्य है ना, इसमें इसने पूछा है अपने को कि विशेषण पद कितने आए हैं, इस पूरे लाइन के अंदर विशेषण पद कितने आए हैं और कौन कौन से हैं। तो प्यारे भैया बहनों, दो आए हैं, एक तो एकाम, एक महतिम, एकाम मैंने एक, महतिम मैंने बड़ी, एक किसी संख्या का जब एक बोलते हैं, या महती मैंने बड़ा छोटा मोटा पतला, ये विशेषण शब्द होते हैं भैया बहनों। तो एकाम और महती, ये जो दो शब्द हैं, उत्तर आएगा इसका द्वे, और उसके बाद में दोनों शब्दों को लिख सकते हैं एकाम और महती। अगले में ये पूछा है कि मैं इसका आह्वान करता हूँ, यहाँ पे अहम किसके लिए आया है, तो खर नखराए सिंहाए, खर नखर नाम का जो शेर था ना उसके लिए आया है, मैंने लिखा भी है उसका ताकि आपको ध्यान में रहे। फिर वो कहता है, यदि त्वम माम ने आह्वयासी अस्मिन वाक्यम कर्तृ, इसमें कर्ता बताइए, तो इसमें कर्ता है त्वम, इसमें त्वम जो है वो कर्ता है काम को, जो मुख्य काम को करने वाला है जिसके बारे में। अगला है, सिंह पद पद्धति गुहयाम प्रविष्ट दृश्यते, इसमें हमको धातु बतानी है क्रिया,
तो दृश्य धातु, दृश्य धातु मतलब देखना, दिखाई देता है। वने अत्र, इसमें अव्ययी शब्द को बताना है, इसमें अव्ययी शब्द कौन सा है, तो इसमें अत्र जो शब्द है ना वो अव्ययी, यहाँ पे ये जो आपको एस सा दिख रहा है इसको अवग्रह चिन्ह बोलते हैं, जब इनको अलग अलग करेंगे तो इसमें अत्र शब्द है, वो अत्र जो है ना वह जो है, और इसमें अव्ययी शब्द मैं यहाँ लिख देता हूँ अत्र, आपको ध्यान में आ जाएगा इस प्रकार से, जो अत्र है यह अत्र जो है इसमें अव्ययी शब्द है। एक आपके यहाँ दे रखी है कि एक कहानी दे रखी है, उसमें कुछ मंजूषा बॉक्स के अंदर कुछ शब्द दे रखे हैं, इसमें से उपयुक्त शब्द को भरना है। पहला है कि एक बार एक जंगल में कश्चन, मैंने पहले में कश्चन, एक कश्चन मैंने कोई एक शिकारी ने जाल बिछाया और दूरे दूर जाकर के स्थित हो गया। क्रमशः आकाशात सपरिवार कपोतराज तदा आकाशात, उसी समय फिर आकाश में से कबूतरों का राजा, तदा मैंने तब मैंने आया, हाँ आया नीचे, मैंने नीचे और नीचे ही, यहाँ विसर्ग लगी हुई है, नीचे ही कबूतर, कबूतर जो है चावलों को देख करके, और देखा जैसे ही उन्होंने कबूतरों ने, यदा तभी और जब तेषाम लोभ हो जाते, उनका लोभ जाग गया, परम राजा सहमत ना सकते, लेकिन वो और कबूतरों का राजा इससे सहमत नहीं था। तस्य युक्ति, उसकी युक्ति क्या थी कि यदि, यहाँ पे यदि आएगा, यदि वने कोऽपि मनुष्य नास्ति, यदि वन में जब कोई मनुष्य है ही नहीं तो कुतः तंडुलाम असंभव, तो फिर चावल के दाने कहाँ से आ सकते हैं, कबूतरों के राजा ने कहा। परम राज्ञ उपदेश से अस्वीकृत, लेकिन क्या हुआ कि राजा के उपदेश को अस्वीकार कर दिया और कबूतरों ने क्या किया, चावल तंडुलान खादुतम प्रवृतम जाले, चावल खाने के चक्कर में और वो जाल के अंदर गिर जाते हैं, यहाँ पे चे आएगा जाल में और जाल में गिर जाते हैं, चे आएगा मतलब और। अंत में है सहसा, यानी अचानक कोई भी विधि न क्रिया, अचानक कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। तो भैया बहनों, इस पाठ को हमने पूर्ण किया है, इसके बाद में अगला पाठ हम पढ़ेंगे डीजी वार्तम अगली वीडियो के अंदर, और इस दूसरे पाठ को तो पूर्ण करना ही है। इस पाठ के तृतीय पाठ के जो शब्दार्थ हैं आप उनको पहले से पढ़ करके रखेंगे, ताकि आपको जब हम इस पाठ को पढ़ेंगे तो हमको कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। तो प्यारे भैया बहनों, इस प्रकार से सुंदर लिखाई के अंदर, सुंदर लिखाई के अंदर गृह कार्य को पूर्ण करना है। नमस्कार भैया बहनों।